राधे राधे जी, करवा चौथ की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। अखंड सौभाग्य देने वाली इस करवा चौथ के व्रत में माँ करवा की पूजा की जाती है, जो माँ पार्वती का ही रूप है। इनकी पूजा अर्चना से माता वैवाहिक सुख और मनचाहा वर प्रदान करती है। आज का दिन माँ पार्वती जी को प्रसन्न करने का दिन है, इसलिए इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री पार्वती चालीसा। श्री पार्वती चालीसा दोहा। जय गिरी तनये दक्षजे शंभु प्रिये गुणखानी गणपति जननी पार्वती अम्बे शक्ति भवानी। जय हो माता गिरिराज हिमालय की पुत्री, पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री, भगवान शंभु की प्रिया आप गुणों की खान हो, गणपति की माता पार्वती आप अम्बे शक्ति भवानी के नाम से प्रसिद्ध हो, आपकी जय हो। चौपाई। ब्रह्मा भेद न तुम्हरो पावे, पंच बदन नित तुमको ध्यावे, षड्मुख कही ना सकत यश तेरो, सहस बदन श्रम करत घनेरो। ते उपार ना पावत माता, स्थित रक्षालय हित सजाता, अधर प्रवाल सदृश अरुणारे, अति कमनीय नजन कजरारे। ब्रह्मा वेद भी आपको पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, पांच बदन वाले नित्य आपको ध्याते रहते हैं, षड्मुख यानी छह मुख वाले आपके यश में कुछ भी कह नहीं पाते हैं, और सहस बदन यानी हजारों बदन वाले कठिन श्रम करते हैं, घन श्रम करते हैं, लेकिन कुछ भी कह कर नहीं पाते हैं। आपके परे और कोई नहीं है माता, स्थिर अस्थिर प्राण जीवों की आप रक्षा करती हो। आपके अधर यानी होंठ अरुण यानी कि सूर्य की लाली के सदृश दिखाई पड़ते हैं, और आपके नयन यानी कि आंखें कितनी सुंदर कजरारे हैं। ललित ललाट विलेपित केशर कुमकुम अक्षत शोभा मनहर, कनक बसन कंचुकी सजाए, कटि मेखला दिव्य लहराए, कंठ मदार हार की शोभा, जाहि देखी सजहि मन लोभा, बालारुण अनंत छवि धारी, आभूषण की शोभा प्यारी। आपका सुंदर मुख हल्के केसर का रंग है, कुमकुम मिले अक्षत सी आपकी शोभा मनोहर है, कनक यानी कि सोना जैसे कि आप में ही समा जाती है, आपका आभरण बनके आपको सजाती है, कोटि मेखला यानी कि कोटि कमरबंध सुंदर रीति से लहरा रहे हैं, गले में मदार हार सुशोभित है, जिसने देखा वह सहज ही उसका मन लोभित हो जाता है, हल्के लाल रंग की साड़ी धारण किए हुए हैं जो अनंत प्रतीत हो रही है, आपके आभूषण की शोभा कितनी प्यारी है। नाना रत्न जड़ित सिंहासन तापर राजति हरि चतुरानन, इंद्रादिक परिवार पूजित जग मृग नाग रक्ष रव कूजित, गिर कैलास निवासिनी जय जय, कोटिक प्रभाविकासिन जय जय, त्रिभुवन सकल कुटुंब तिहारी, अनु अनु महम तुम्हारी उजियारी। नाना रत्नों से जड़ित आपका सिंहासन है, जिस पर विराजमान हो आप राज करती हैं, इंद्रादि देव परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, ताकि जगत की मृगों की नागों की आप रक्षा करें। आप कैलाश गिरी यानी कैलाश पर्वत की निवासिनी हो, आपकी जय जय हो।
आप से कोटि सूर्यों की प्रभा विकासित होती है, आपकी जय जय हो। तीनों लोकों में आपके और आपके परिवार की हर कोई पूजा करता है। हे महेश प्राणेश तुम्हारे, त्रिभुवन के जो नित रखवारे, उन सो पति तुम प्राप्त कीन्ह जब, सुकृत पुरातन उदित भये तब। बूढ़ा बैल सवारी जिनकी, महिमा का गावै को दिन की, सदा श्मशान बिहारी शंकर, आभूषण है भुजंग भयंकर। आपके प्राणनाथ महेश हैं, त्रिभुवन यानी त्रिलोकों के जो नित्य रखवारे हैं। जब आपने उन्हें पति रूप में प्राप्त किया है, तब से अच्छे समय का उदय हुआ है। जिनकी सवारी बूढ़ा बैल है, उनकी महिमा कौन गा सकता है? भगवान शंकर जी जो सदा श्मशान में विहार करते हैं और भयंकर नाग को अपनी भुजाओं में आभूषण की तरह पहने हुए हैं। कंठ हलाहल को छबि छाई, नील कंठ की पदवी पाई, देव मगन के हित अस कीन्हो, विश्लया रपुति ने अमि दीन्हो, ताकि तुम पत्नी छवि धारिणी, दूरत विदारिणी मंगलकारिणी, देखी परम सौंदर्य तिहारो, त्रिभुवन चकित बनावन हारो। जब उनके कंठ में हलाहल की छवि छाई, तो नील कंठ के नाम से जाने लगे। देव देवताओं की खुशियां हेतु उन्होंने जब ऐसा किया, तब उन्होंने विष को ही ग्रहण कर लिया। ऐसे भगवान शिव जी की आप पत्नी हो जो उनके छवि बनकर रहते हो। दूर ही हो ऐसे प्रतीत होती हो, लेकिन हर कार्य मंगल करती हो। आपकी परम सौंदर्य देख त्रिभुवन चकित रह गए और हार मान गए। भयभीता सो माता गंगा, लज्जामय है सलिल तरंगा, सौत समाज शंभु पह आई, विष्णु पदाब्ज छोड़ी सोधाई। तेहि को कमल बदन मुरझायो, लखी सत्वर शिव शीश चढ़ायो, नित्यानंद करी बरदायिनी, अभय भक्त कर नित अनपायिनी। माँ गंगे का अति वेग सबको भयभीत कर रहा था। उन्हें अपने अति वेग का बहुत गर्व था, लेकिन जब भगवान शिवजी ने उन्हें अपने केश में समा लिया, तो लज्जित हो वे एक धारा के रूप में बह निकली। है तो वे आपकी ही बहन, लेकिन सौतन के समान वे शंभू के शिरोमणि पर समाई। धरती पर जहां जहां भगवान विष्णु जी के पद चिन्ह थे, वहां वहां वे बहती चली गई। सबको आनंद प्रदान करती हुई वे मोक्षदायिनी बनी। अखिल पाप त्रय ताप निकंदिनी, माहेश्वरी हिमालय नंदिनी, काशीपुरी सदा मन भाई, सिद्ध पीठ तेही आप बनाई। भगवती प्रतिदिन भिक्षा दात्री, कृपा प्रमोद स्नेह विधात्री, रिपुक्षय कारिणी जय जय अम्बे, वाचा सिद्ध करी अवलंबे। सभी पापों को नष्ट कर देने वाली माहेश्वरी, हिमालय की पुत्री, काशीपुर नगर आपको सदैव भाता है, आपका शक्ति पीठ जो है। जब आपने अन्नपूर्णा माता का रूप धारण किया हुआ था, तब स्वयं महादेव ने आपसे भिक्षा मांगी थी। आपने अकाल का क्षय किया था, आपकी जय जय हो अम्बे, मुझे वाक्य सिद्धि प्रदान करो अवलंबे।
गौरी उमा शंकरी काली, अन्नपूर्णा जग प्रतिपाली, सब जन की ईश्वरी भगवती, प्रतिप्राणा परमेश्वरी सती। तुमने कठिन तपस्या कीनी, नारद सौ जब शिक्षा लीनी, अन्न न नीर न वायु आहारा, अस्थित मात्र तन भयो तुम्हारा। आप ही गौरी, आप ही उमा, आप ही शंकरी, आप ही काली हो, अन्नपूर्णा होकर जग की प्रतिपाली हो। आप ही सब जन की ईश्वरी हो, भगवती हो, सती जी ने पुनर्जन्म पाके आप परमेश्वरी बनी हो। जब आपने कठिन तपस्या किया था, आपकी तप को देखकर जिन्हें अपने ही तपोबल पर गर्व था, उन्हें एक सीख मिली। आपकी तपस्या में आपने ना तो अन्न ग्रहण किया, ना ही जल, ना वायु। आपकी अस्थियां तक नजर आ रही थी, आप इतना जो सुकुड़ गई थी। पत्र गहस को खाद्य न भायव, उमा नाम तब तुमने पायव, तब बिलो की ऋषि सात पधारे, लगे डिगावन टिगी नहारे, तब तब जय 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 उच्चारयो, सप्त ऋषि निज गेह सिधारयो, सुर विधि विष्णु पास तब आये, वर देने के वचन सुनाए। आपकी ऐसी निराहार तपस्या के कारण आपका नाम उमा पड़ा। आपकी ऐसी तपोबल को देख सप्त ऋषि पधारे, आपको मनाने की कोशिश की, लेकिन आप जय 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 करते हुए तप करती रही। स्वयं भगवान विष्णु जी भी प्रकट हुए और आपको वर मांगने को कहा। मांगे उमा वर पति तुम तिन सो, चाहत जग त्रिभुवन निधि जिन सो, एव मस्तु कहिते दो गए, सुफल मनोरथ तुमने लये, करि विवाह शिव सोहे भामा, पुनः कहाई हर की बामा, जो पड़ी है जन यह चालीसा, धन जन सुख देई है ते ही सा। सारा जहां जिनसे त्रिलोकों की निधि वर में मांगते हैं, उनसे आपने केवल भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने का वर मांगा। ऐसा ही हो कहकर वे आपको वर देते हुए गए और आपकी मनोरथ सफल हुई। फिर आपका विवाह भगवान शिव जी से हो गया और जैसे हर जन्म में हुआ, फिर से आप हर की बामा ही बनी। जो जन इस चालीसा को पढ़ता है, उसे धन सुख देती है माता। दोहा। कूट चंद्रिका सुभग शिर जयति जयति सुख खानी, पार्वती निज भक्त हित रहु सदा वरदानी। जिनके सिर पर अर्थ चंद्रमा सुशोभित है, उनकी जय हो आपकी माता, आप सुख की खान हो। जो माँ पार्वती का सच्चा भक्त है, उन्हें सदैव माँ वरदान देती है। भक्तों, यह है श्री पार्वती चालीसा। आशा है आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। मुझे अनुमति दीजिए, अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय माता दी।